आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन को जबरी रिटायर करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को रिटायर करने का फैसला इंसानियत सोज है। सरकारी मुलाजमीन के लिए आवाजें उठने लगी। मुलाजमीन को जबरी रिटायर करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई। करारदाद रुकने पंजाब असेंबली राबिया फारूकी ने जमा करवाई है। करारदाद के मतन के मुताबिक पंजाब असेंबली का ऐवान सरकारी मुलाजमीन को जबरी रिटायर करने के लिए वफाकी हुकूमत के इकदाम पर सख्त तश्वीश का इजहार करता है और इस हवाले से बनाई गई कमेटियों को मुस्तरद करता है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को रिटायर करने का फैसला इंसानियत सोज है, ये फैसला इंसानी हुकूक के खिलाफ है। हालिया बजट में वफाक और पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करके उनको बुनियादी हक से महरूम किया है। अब सरकारी मुलाजमीन को जबरी रिटायर करने की हिकमत अमली तय की जा रही है।